अरे नीचे हमें इसकी जरूरत नहीं है, हम अपना ख्याल रख सकते हैं। इसे वापस करने की कोई जरूरत नहीं है, वो शकों का ये मत। आप नीचे। बहुत शुक्रिया आपका। अरे अंबिता। नहीं कोई बात। ये दो देखे एक से तीन के दरमियान डिलीवरी होनी है। दोपहर को रश होता है, तीन से छः ठंडी रहती है, छः बजे के बाद रश हो जाता है। ठीक है। उस्ताद बिरयानी की छः देंगे रेडी। फराद भाई, याकूब भाई के जाने के बाद बिरयानी का ऑर्डर भी मैं कम ले रहा था। कोशिश करता हूँ कि वैसी ही मिक्सिंग हो, पर कस्टमर शिकायत करता है कि वो जायका नहीं है। आप ट्राई करोगे? कोई और नहीं कर सकता ये काम। आपके सामने है शमशादी, सिर्फ अब्बा की जिद थी। बिरयानी मिक्सिंग से कौन सा जायका आता है? जो बनना था बन गया, कोई और पकवान करता है इसे। याकूब भाई कहते थे कि यही हमें दूसरों से अलग रखता है। कौन बिरयानी मिक्स करता है कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई भी कर ले, यानी गंदी करो, डिलीवरी लेट नहीं होनी चाहिए। ठीक, एक बार शमशाद को डबल चेक कर। फरहाद, क्या बात है, मैं अच्छा लगा तुम्हें यहाँ देखकर। क्या खैरियत? हाँ सब ठीक। कुछ बोझ था मेरे दिल पे, वो उतारने के लिए आया। कैसा बोझ? अरे पियो ना। तो नहीं पियो, आजा पियो। यही सब कुछ जो तुम्हारे और मेरे बीच में हुआ, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ और माफी मांगने आया हूँ। पता है अब्बा के जाने के बाद ना मुझे एहसास हुआ कि जिंदगी बिल्कुल बेमानी है, और ये रिश्ते ताल्लुकात सब कुछ यही है, और हमें इनको संभाल के चलना चाहिए। तो फिर तुमने मुझे माफ किया? कैसी बातें कर रहे हो कि मुझे तुमसे माफी मांगनी चाहिए, मैंने भी तुम्हें बहुत परेशान किया। अरे जाने दो, पुरानी बातें हो गई हैं, सब भूल जाते हैं। वैसे पता है अब्बा ने जब कारोबार किरण के नाम किया ना, तो मुझे बड़ी हैरानी हुई। अब जाहिर है किरण यहाँ दुकान पर तो बैठ नहीं सकती, और मेरा यहाँ क्या काम, मुझे तो कोई तजुर्बा भी नहीं है। और पता है जब अनाड़ी बंदा बिजनेस संभाले ना, तो उसका हाल बिल्कुल इस बिस्किट की तरह हो, डूब जा सकता। और जहाँ तक मुझे पता है तुम्हें भी इस कारोबार में कोई इंटरेस्ट नहीं, तुम बीबीए ग्रेजुएट हो यार, तुम्हें तो किसी मल्टीनेशनल कंपनी में सूट बूट पहनकर एग्जीक्यूटिव की जॉब करनी चाहिए। कहाँ ये देहों के पीछे पड़े हो मिर्च मसालों की भूख के बीच में। मुझे लगता है मेरे दोस्त तुम्हारी ये जगह नहीं है, और अब्बा के साथ साथ इस पकवान का भी वक्त आ गया। मुझे लगता है कि तुम्हें अच्छे बायर मिल सकते हैं इसके। सलाम देखो। बच्चा आप लोग क्यों अचानक? ओ फरिया बेटा, बहुत बड़ा मसला हो गया है, हम बैठ के बात कर ले। आइए आइए ना आइए। बात ऐसी है कि तुम है ना बेटा, मेरे ऊपर थोड़ा रहम कर दो।
क्या मतलब? अभी तुम यहाँ सारी रात रहती हो अकेली, और ये जो तुम्हारी शगो पोपो है ना, ये तुम्हारे लिए पूरी रात रहती है परेशान, और हमारी नींदें होती हैं हराम। आप भी ना अहमद, मेरी तो जाली में खाती। पापा, खाम खा आप लोगों को परेशानी होगी मेरी वजह से। तुम्हारे पापा ने ठीक बोला है, परेशानी होगी नहीं, परेशानी दूर होगी नहीं। तुम हमारे साथ चलो। चलिए ठीक है, मैं फरहाद से बात कर लेती हूँ। ठीक है फरहाद। अरे वालेकुम अस्सलाम बेटा। फरहाद, बहुत अफसोस हुआ आपके वालिद साहब का सुनकर। बेटा, बाप का जाना तो जिंदगी भर का सदमा है। अभी हम तो ताजियत के लिए आने वाले थे, मगर कुछ मुनासिब मालूम नहीं हुआ तो फिर हम आए नहीं। नहीं, आप लोग का कह देना मेरे लिए बहुत है। प्लीज बैठिए। आज फरियत से आना हुआ? हाँ, वो अरिया यहाँ बिल्कुल अकेले है ना, ऐसी जगह पे उसका यूं अकेले रहना है वेरी अनसेफ। नहीं, मैं बल्कि फ्रिया को कह रहा था कुछ दिन आप लोगों की तरफ रह ले। हम शी इज मोस्ट वेलकम, इसी वजह से है ना हम इसको लेने के लिए आए हैं। और फरहाद, वैसे भी अभी तुम्हारी फैमिली को ना तुम्हारी ज्यादा जरूरत है। हाँ हाँ बिल्कुल, अपनी फैमिली को टाइम दो बेटे, लेकिन फरिया का ख्याल रखना भी जरूरी है। शी इज मैनेजिंग एवरीथिंग अलोन। आप लोगों को क्या लगता है, मैं फ्रिया का ख्याल नहीं रख सकता? नहीं नहीं फरहाद, उनका ये मतलब नहीं था। इतना जानता मैं क्या मतलब था। बल्कि अच्छा हुआ आप लोग आज आ गए यहाँ। प्रिया, तुमने इनके पैसे वापस कर दिए थे? फरहाद प्लीज। क्या मतलब, तुमने अभी तक इनके पैसे वापस नहीं किए? ये प्रिया प्लीज इनके पैसे वापस करो मेरे सामने अभी। एक मिनट, ये कौन से पैसों की बात हो रही है? मतलब ये कौन सी बात? आपकी बेगम साहिबा जब पहली बार हमारे घर आई थी तो वो फ्रिया को पैसे देकर गई थी, क्योंकि उन्हें लगता है मैं अपनी बीवी का ख्याल नहीं रख सकता। नहीं नहीं, ऐसी घटिया और अनसेफ जगह पे मैंने अपनी बीवी को रखा हुआ है, ऐसे है? नहीं, नहीं, इसी बात नहीं है, वो ये शगो ने है ना इस वजह से दिए होंगे तुम लोगों को पैसे के, थोड़ी आसानी हो जाए बस, और कोई बात नहीं। आउट ऑफ कंसर्न। फरहाद, ऐसा मतलब नहीं था उनका, वो गुस्से में लग रहे। नहीं नहीं, वो शायद आई थिंक कुछ देख। फरहाद, फरहाद ये लीजिए। अरे लीजिए, हमें इसकी जरूरत नहीं है, हम अपना ख्याल रख सकते हैं। इसे वापस करने की कोई जरूरत नहीं है, वो शगो का ये मत। आप लीजिए। बहुत शुक्रिया आपका। अरे बेटा, नहीं कोई बात। ये अच्छा, चलो फरिया बेटा तुम ठीक हो भी, हमारे साथ चलना चाहोगी? चलो ना प्लीज। नहीं नहीं पप्पो, मैं नहीं जा सकूंगी आपके साथ, मुझे फरहाद से कुछ बात कर। चलो ठीक है, मतलब जैसा तुम ठीक समझो, मेरे ख्याल से हमें अभी चलना चाहिए। तुम दोनों मियाँ बीवी आपस में बात कर लो, फिर जरूरत हो, इरादा बने तो फिर हम दोबारा आ जाएंगे। हाँ, आर यू श्योर? जी जी ठीक, चलिए ठीक है बस। सॉरी बेटे। नहीं कोई बात नहीं। सॉरी, मैंने कुछ पूछा भी नहीं आप लोगों से। ठीक है बेटा, चलो अपना ख्याल रखो। हेलो फ्रेंड्स, फोन करना। जी जी थैंक यू, आप लोग आए, मैं करती हूँ आपको फोन। हाँ रुको, तुम आप कहाँ जा रही हो इतना कुछ बोलने के बाद? जो बोलना है आप बोलो। जो कहना था मैंने कह दिया। फरहाद, तुम्हें कोई हक नहीं है मेरी फैमिली से इस तरह बात करने का। मेरे पप्पा और पप्पो की इंसल्ट की है तुमने।
तुम्हारे फुफा कंठों को ना हमारी लाइफ में इंटरफेयर करने का कोई हक नहीं है। हम आपको इंटरफेयर नहीं कर रहे थे, फैमिली है, कंसर्न थे, दे वर जस्ट, तुम्हें इस तरह उनसे बात नहीं करनी चाहिए थी। और उन्होंने जिस तरह मुझसे बात की वो तुम्हें सुनाई नहीं दिया, यही कह रहे थे ना कि मुझे तुम्हारा ख्याल नहीं रखना आता। तुम्ही ने तो कहा था कि मैं अकेली होती हूँ, मैं पप्पो के घर चली जाऊँ, तो अब वो मुझे लेने के लिए आए हैं, तो तुम्हें क्यों इतना बुरा लग रहा है? फिया, मुझे उनका आना बुरा नहीं लगा, लेकिन जिस हकारत से वो हमारे इस घर को देख रहे थे ना, तुम्हें पैसे देके मुझे नीचा दिखाने की कोशिश कर रहे थे, आज भी उनका वही एटीट्यूड था। तुम्हारी अम्मी आई थी, उन्होंने मुझे कितना बुरा भला कहा, फोन पे क्या कुछ नहीं कहा, मुझे भी बहुत बुरा लगा था, लेकिन मैंने उनसे बदतमीजी नहीं की, मैंने बर्दाश्त किया। बर्दाश्त की बात मत करना मेरे साथ। मैंने तुम्हारी फैमिली की तरफ से क्या कुछ बर्दाश्त नहीं किया, मेरे अब्बा से बदतमीजी की, मेरी अम्मा से बदतमीजी की, मेरे भाई को मारा, अरे मुझ पे गोलियां चलाई तुम्हारे भाई ने, पूरी मेरी फैमिली को धक्के देके निकाला था तुम्हारी फैमिली ने, याद है? मैंने सब बर्दाश्त नहीं किया। तो तुम्हारी फैमिली ने क्या किया, हमें गले लगा लिया था? हाँ, तो शुरू तुम लोगों ने किया था। हम लोग? पहले तुम मेरी फैमिली पर चले गए, अब तुम बिरादरी पर जा रहे हो। प्रिया, तुम जानती मेरा ये मतलब नहीं था। नहीं, मैं नहीं जानती, मैं इस नए फरहाद को नहीं जानती और ना ही मैं जानना चाहती। और ये जो तुम्हारे फैले हुए कपड़े हैं ना, आइंदा मुझे ये दिखे तो मैं बालकनी से बाहर फेंकूंगी।